भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चेन्नई टेस्ट मैच का तीसरा दिन भले ही अंग्रेजों के नाम रहा हो, लेकिन ऋषभ पंत जो भारतीय टीम की विकेट कीपिंग की नई सेंसेशन है, वो एक नई इबारत और एक नई कहानी लिख रहे हैं। ऋषभ पंत ने एक बार फिर भारतीय टीम के संकट मोचक बनकर भारतीय टीम को ना सिर्फ मुसीबत से निकाला, बल्कि पुजारा के साथ शतकीय साझेदारी कर भारत को शर्मनाक स्कोर पर ऑल आउट होने से बचा दिया। बड़ी बात यह रही कि इस मुकाबले में एक समय भारतीय टीम का स्कोर था 73-4, जिसके बाद ऋषभ पंत और पुजारा के बीच 119 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। और ये साझेदारी महज आपको बता दें कि 24 ओवरों के अंदर हुई, यानी कि 141 गेंदों में 119 रनों की साझेदारी, जिसमें पुजारा और पंत ने ताबड़तोड़ रन बनाए। सिर्फ पंत नहीं बल्कि पुजारा ने भी ताबड़तोड़ रन बनाए थे, यानी कि धोनी की दी हुई सीख पर चेले पंत का कमाल देखने को मिला। और मैच के बाद ऋषभ पंत ने ये बात कही कि उनके गुरु धोनी की दी हुई सलाह उनके काम आई। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे में शानदार प्रदर्शन कर लौटे ऋषभ पंत जब भारत आए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर एमएस धोनी से मुलाकात की थी और उन्होंने ये बात कही थी कि एमएस धोनी से मैं टिप्स लेके आ रहा हूँ और वो जो भी बात मुझे कहेंगे, जो भी बात मुझे सिखाएंगे, मैं उसी तरीके से उन चीज़ों पर अमल करूँगा। यही वजह है कि एमएस धोनी से टिप्स लेकर पंत ने एक बार फिर एक और धाकड़ पारी खेल दी। वैसे कहा यह भी जाता है कि ऋषभ पंत को जब टीम से बाहर किया गया था और जब टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा नहीं जता रहा था, तब भी वो एमएस धोनी के पास गए थे और धोनी से जमकर बात करके आए थे और धोनी ने फिर उन्हें टीम में कैसा प्रदर्शन करना है उसके टिप्स भी दिए। यही वजह है कि यहाँ पर भारतीय टीम की जो चीज़ें हैं उसके फेवर में चीज़ें गई हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत की 88 गेंदों में खेली गई 91 रनों की पारी ने भारतीय टीम को भले ही जीवन दान दिया हो, लेकिन जान भर दी है इस टेस्ट मैच में ऋषभ पंत की पारी ने। और यही वजह थी कि पंत ने अपने गुरु एमएस धोनी को शुक्रिया अदा कहा है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।